कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट पेपर जो कि आपका कल है 21st of December 2023 थर्सडे को, और वो पेपर आपका है BHA 110 एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, और 3 आवर्स का पेपर होने वाला है 9:30 से 12:30, है ना, ये तो आपको पता है। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की और प्रिडिक्ट करते हैं कि अगेन गाइज ये भी आपका न्यू सब्जेक्ट है, इसके भी सैंपल पेपर तो आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा। हाँ, अदर यूनिवर्सिटी के आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका सिलेबस अलग है। ओके, बट इसमें आपकी मैक्सिमम, इसमें आपकी बहुत ज्यादा यूनिट्स हैं गाइज, इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट्स हैं, है ना। तो आपके इसमें 8 यूनिट्स हैं, आप 8 यूनिट से 60 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। आगे फर्स्ट यूनिट है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, और इसके नोट्स जो है वो आपको मेरी ऐप में कंप्लीट मिल जाएंगे, यूनिट वाइज मिल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, विद एग्जांपल्स, है ना। देन नेचुरल रिसोर्सेज एसोसिएटेड प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। ओके, एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन से क्वेश्चन आ सकता है, वाटर रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल रिसोर्सेज यहाँ से क्वेश्चन, फूड रिसोर्सेज यहाँ से क्वेश्चन, है ना, एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से क्वेश्चन, लैंड रिसोर्सेज यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपके, वहां से आपके गाइज 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड यूनिट विच इज इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें मेनली आपके साइकिल आएंगे, जैसे एनर्जी फ्लो एक साइकिल होता है इन इकोसिस्टम। ओके, फूड चेन से क्वेश्चन आ सकता है, फूड वेब से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड देन जो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ओके, तो इन चारों पे डिफरेंट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो चारों में से कोई सा भी इकोसिस्टम आपसे पूछा जा सकता है विद साइकिल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका फोर्थ यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, सो जेनेटिक योर स्पेसिफिक एबायोटिक एंड बायोटिक, मेनली जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ना, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, एंड देन इसका क्या मतलब है। ओके, और हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, कैसे हम इसको जैसे आपने नेशनल पार्क सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुने होंगे, हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम उनको कंजर्व कर सकें। कंजर्व क्या होता है, उनको बचा सकें। ओके, देन थ्रेट्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी को किस चीज़ से थ्रेट्स हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वहां से क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। डेफिनेटली बहुत बड़ा सिलेबस है गाइज आपका इसका, और ध्यान से देखना जो मेन मेन टॉपिक्स हैं। आपके फिफ्थ यूनिट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डेफिनेशन, तो पॉल्यूशन मेनली आपको पता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, न्यूक्लियर हैजर्ड, ये जितने भी पोल्यूशन हैं इनकी डेफिनेशन, ये कैसे होते हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, ये आप सबको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पोल्यूशन को, एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ओके, देन हमारा है मेनली इसमें एक टॉपिक और है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड, बहुत सुनते होंगे आप न्यूज में, तो ये कैसे होते हैं, इनके कॉजेज क्या हैं, इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, जो डिजास्टर होता है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिक्स्थ आपकी यूनिट है सोशल इशूज एंड द एनवायरमेंट। ओके, तो एक बहुत बड़ा वर्ड है सस्टेनेबल, है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल की बात हर जगह होती है ना, हम कहीं भी डेवलपमेंट करते हैं तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल मीन्स वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, है ना, विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम,
हम उसको बना सकें और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, वो उसको देख सकें। ओके, हमें उनको सस्टेन करना है, ये नहीं कि उसको खराब कर देना है। ओके, देन अर्बन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एनर्जी को लेके, वाटर को लेके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। ओके, जब लोग मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, है ना, जैसे कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ गया या कोई कोई एरिया, जैसे अभी सुना होगा आपने उत्तराखंड में, आई गेस कोई उत्तरकाशी में कहीं पे पूरा का पूरा गांव में वो लैंड में वो दरारें से आ गई थी, है ना, पूरे गांव गांव के घर धंस रहे थे, तो उन लोगों को रिसेटल किया गया, उनको वहां से रिहेबिलिटेट किया गया, उनको वहां से हटाया गया, है ना, तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या कंसर्न होते हैं। ओके, देन एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये पढ़ लेना याद से। ओके, देन इसमें दो तीन एक्ट और हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये जितने भी एक्ट हैं इनको एक बार अपने ध्यान से देख लेना है, इन एक्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आजकल फिफ्थ सिक्स के बच्चों को पढ़ाई जाती है, वही आपके सिलेबस में है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है ना, और एसिड रेन क्यों होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं और उससे क्या प्रॉब्लम होगी, है ना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ये सब जितने भी कॉमन कॉमन प्रॉब्लम है ये आपके नोट्स में बहुत डिटेल में दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट होंगे। आपकी सेवन्थ यूनिट है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, सो पॉपुलेशन ग्रोथ वेरिएशन अमंग नेशंस। ओके, पॉपुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए। ओके, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हम ढंग से एडुकेट नहीं कर पाएंगे, ढंग से एडुकेट नहीं कर पाएंगे तो हमारी पावर्टी बढ़ जाएगी। ओके, गरीबी बढ़ जाएगी तो फिर क्राइम बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, क्यों है ना, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ क्यों, कैसे कोरिलेट करते हैं, ह्यूमन राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडुकेशन क्या होती है। ओके, एचआईवी एड्स, वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ओके क्या है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो गाइज बहुत कॉमन से टॉपिक्स हैं, बस एक बार आप देख लेना, सिलेबस बहुत बड़ा है और जो जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं उनको आपने एक बार जरूर देखना है। लास्ट जो है फील्ड वर्क है। ओके, तो यहाँ से कोई आपको एक स्टडी आ सकती है, कोई केस स्टडी आ सकती है ना, जैसे विजिट अ लोकल एरिया। ओके, और उसमें ऑब्जर्व करो फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, हिल को, माउंटेन को। ओके, और विजिट अ लोकल पॉल्यूटेड साइट, है ना, तो ये आपको एक केस स्टडी फील्ड वर्क जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल आपकी गाइस 8 यूनिट है ना, आपकी 8 यूनिट हैं, और यहाँ से बहुत कॉमन सा सिलेबस है, मतलब इतना टफ नहीं है, जो हमने बचपन में पढ़े थे, है ना, जो साइकिल्स हमने पढ़े थे, एनर्जी फ्लो पढ़ा था हमने, इकोसिस्टम पढ़ा था हमने, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, वो ही टॉपिक है ना, बस आपको लिखना आना चाहिए टू द पॉइंट। ऑलराइट, तो गाइज ये हमारा लास्ट वीडियो था, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा कल परसों या नरसों, जब भी आएगा प्लीज उसको देख लीजिएगा, है ना, आपके ही इस कोर्स के रिलेटेड वो वीडियो रहेगा। ओके, कि इस पूरे कोर्स, ये 30 साल की डिग्री करने के बाद आप एमटी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब आपने सुना होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा कि आप 6th सेमेस्टर में आके या 5th सेमेस्टर में आके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करोगे और उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, है ना, बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको उसकी स्टडी करनी पड़ती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम करेंगे, उसके रिगार्डिंग वीडियो आएगा। ओके, सो वो वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।